अब बहुत ज्यादा रोमांटिक हो ना <coughs> हाँ. पागल हो जैसे फिल्मों वाली रोमांटिक हूँ मैं सबसे फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है मेरी कभी हाँ कभी ना क्यों बस उसमें आई फील एक इनोसेंस है उस फिल्म में कोई बहुत ज़्यादा इनोसेंस एंड फॉर मी दैट इज रोमांस आई जस्ट फील लाइक इट वाज प्योर लव In that film when I watched it. शाहरुख खान शाहरुख खान गोवा में हाँ. वो बैंड हाँ, हाँ. जो भी प्यार था शाहरुख सर का उसके लिए इट इट जस्ट जस्ट वेरी प्योर एंड वेरी वेरी इनोसेंट एंड आई थिंक फॉर मी आई वुड वॉन्ट दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम अ गाय गायस वेरी प्योर वेरी प्योर वेरी इनोसेंट नथिंग यू नो नॉट कैलकुलेटेड दिस इज हाउ इट शुड बी दीज आर माई नीड्स दिज आर माई रिक्वायरमेंट्स इट शुड फिट द बिल नो इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट ऑलवेज फाइंड अ पर्सन हु फिट्स द बिल हर किसी के अंदर कुछ कमियाँ होती मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं बट uh, कैसे आप यू नो लेट गो करते हो और कैसे आप आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है न रिलेशनशिप वे यू ट्राई अंडरस्टैंड योर पार्टनर कि ठीक है देर इज़ वन थिंग दैट आई कैन लेट गो ऑफ बिकॉज देर आर हंड्रेड गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन यू फोकस ऑन द गुड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट

मेरा सीधा होता है अच्छा पेरेंट्स को मिलाऊंगी तो कैसे लगेगा बट uh, हाँ मतलब मेरे लिए रिलेशनशिप like, तो है तो है नहीं है तो फिर नहीं करते आपके खुद के क्या कभी सोचा नहीं हाँ आई गेट वेरी वेरी आंशियस कि अगर ये चीज इस तरीके से होनी है तो इसी तरीके से होनी है अगर वो प्लान चेंज हो गया तो आई गेट वेरी डिस्टर्ब कि अगर मैंने अपना डे प्लान किया है किसी के साथ कि यार विल डू दिस देन विल गो देर और उस प्लान में अगर हल्का सा भी चेंज हो जाए नॉट जस्ट विद यू नो अ पार्टनर विद फैमिली या अब टू नहीं हूं। नहीं हूं, मेरा सारा बैलेंस हिल जाता है तो मुझे लगता है यार मैंने तो ये इस तरीके से प्लान किया था अब ये इस तरीके से हो रहा है तो मुझे बहुत अजीब लगता है एंड आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट बिगेस्ट डेट ब्लैक बट एम टू वर्क ऑन दैट

शुरू के रिलेशनशिप्स और बाद के जब आप भी देखते हो तो लगता है यार पहले क्या फ़ालतू बातों पे यू नो यू वुड फील बैड यू डिन लेट गो फ्यूरी गो स्लोली स्लोली यू रियलाइज दैट इट डजन मैटर एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी एज लॉन्ग एज यू नो यू नो देर इज़ नो डिसरिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप देर इज़ नो वो होता है ना गेम बट मेरे बहुत सारे आई थिंक uh, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है दूसरी तरफ से नहीं मैं अपनी तरफ से भी बता रही हूँ क्योंकि uh, आप बहुत यू नो रोज यू नो क्या चीज़ों से आप डील कर रहे हो आप रोज थोड़े यू नो यू आर ऑलवेज ऑन एज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू यू नो बैलेंस आउट योर लाइफ यूर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग दैट तो उसमें वो फिर एनर्जी क्लैश हो जाता है आई थिंक देयर इज वन पर्सन दैट्स स्टेबल विल लुक इन यू नो ब्रिंग यू डाउन शो यू द रियलिटी दैट दिस इज नॉट रियल दिस इज आल्सो लाइफ आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है इन अ रिलेशनशिप या नॉन नेगोशिएबल्स आई थिंक लॉयल तो होना ही चाहिए विदाउट लॉयल्टी आई कांट आई कांट स्टैंड समवन हु इज नॉट लॉयल जो मुंबई में

कि हाउ रिस्पेक्टफुल इज़ दैट पर्सन टूवर्ड्स अदर्स आई थिंक दैट इज़ अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता चल जाता है असली uh, इंसान क्या है उसमें ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी टुमारो वॉट यो रियालिटीज़ टूडे माई नॉट बी यो रियलिटी टुमारो तो कितना अंडरस्टैंडिंग है वो इंसान कि कल को अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो वेदर ही विल स्टैंड बाई यू और यू नो वी स्टो लिव सो आई थिंक वो थोड़ा जज करना बहुत ये फेस था मेरी लाइफ में बट आई वॉज कम्पेयरिंग माई सेल्फ टू एवरी अदर गर्ल कि आई मे बी आई एम नॉट गुड इनफ मे बी आई नीड टू यू नो चेंज द वे आई एम यू नो लर्न टू वॉक अ डिफरेंट वे टॉक अ डिफरेंट वे बिकॉज आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप कंपेयरिंग बट दैट वॉज अ टॉक्सिक साइकिल दर आई है इज डूइंगट टू अदर्सन एज गॉट नॉट अबाउट मी वो दर्द रहा काफी काफी टाइम तक हां अभी, अभी नहीं है अभी नहीं है के? अभी नहीं है हीलिंग हो चुकी है मेडिटेशन <laughs> <meditation. laughs> अच्छे लोग आ गए हैं अच्छे लोग आ गए आई थिंक वो बहुत मैटर uh, करता है जब आपके लाइफ में अच्छे लोग आ जाते हैं ना देन यू स्टार्ट टू थिंक कि मैं क्या कर रही थी यार हम्म hmm. hmm. एक्स को देखकर कभी-कभी ये लगता है मैं क्या सोच रहा हूं व्हाट वाज आई थिंकिंग नॉट ऑल नॉट ऑल आई थिंक नॉट और सम ऑफ देम हैव बीन वेरी गुड दे स्टिल गुड एंड आई विश देम आई विश एवरीबडी वेल बट कुछ कुछ लोगों को देखके लाइक क्यों 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 हुआ जो हुआ बट आई थिंक नाउ मैंने लुक बैक एम लाइक ठीक है मतलब सिचुएशन अलग थी यहाँ मलग इंसान थे जो होना था वो वैसे भी होना ही था जैसे आपने नॉन

मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार ये नहीं बोल सकती ये नहीं बोल सकती सोच के बात नहीं करनी है मुझे अपने पार्टनर से आई शुड बी यू नो माई सेल्फ ट्वेंटी वो मेरे लिए और ज़्यादा ज़्यादा तरफ़ होना चाहिए <laughs> नहीं, नहीं नहीं मतलब गुड लुकिंग मतलब क्या दिल अच्छा होना चाहिए यार नहीं नहीं मजाक कर रही थी दिल अच्छा होना चाहिए दिल साफ होना चाहिए दिल बहुत अच्छा होना चाहिए और आई थिंक अलग ही एक सुपरफिशियल लेवल पे बताती हूँ मेरे को लाइक आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू समवन समन वेरी स्ट्रॉन्ग एज फिजिकली फिजिकली नहीं मेंटली वेरी स्ट्रोंग जैसे ग्रुप में जो uh, लीडर होगा ना मुझे लीडर पसंद आते लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए लुक्स मैटर करती है नॉट नॉट रियली

कभी कभी हमारी इंडस्ट्री में रहकर ना मैं ये सोचता हूँ कि यार सारे बूढ़े होने वाले हैं हंड्रेड परसेंट एंड यू डोंट लुक ट्वेंटी फोर सेवन आई मीन हमने भी पता है ना कि हम इंटरव्यूज में जाते हैं टाइम आई गो होम माई पेरेंट्स है क्योंकि इन यम्फर्ट जोन यू डॉन ड्रेसअप और एनी सो इट्स इट ड मैटर आप एजिंग के बारे में सोचते हो कि सारों के लुक्स फेड होने वाले हैं सार, सारे मरने वाले हैं एट सम पॉइंट ये सोच तो बचपन में बहुत सोचती थी कि यार मर जाएंगे एक दिन मरेंगी तो क्या होगा अब उतना नहीं बट ठीक esta... है सबको ही होना है मैं अकेली तो नहीं हो रही हूँ तो मी बट आई एज ग्रेसफुली दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते हाँ? जाओ